बिल्कुल किए जाते उस वक्त की याद दिलाए तो वो दर्शकों के लिए बहुत ही रोचक हो जाएगा। वाकई इस प्रोग्राम में कई खासियत थी। एक तो मिश्रण था ड्रामा, थिएटर और सिंगिंग का। दूसरी खास बात उसमें ये थी कि जो मैं बड़े दिनों से, शायद कई वर्षों से चाह रहा था कि कोई करे, लेकिन कोई कर नहीं पाया, वो ये था कि सारे के सारे सिंगर्स, 20 के 20 सिंगर, बगैर किसी कागज़ के, बगैर किसी स्टैंड के गा रहे थे। ये मेरे लिए बहुत नई बात थी। मेरा ख्याल है मैंने जब से प्रोग्राम छोड़े, उस मेरे प्रोग्राम में तो अलाउड नहीं होता था, लेकिन उसके बाद में सारे सिंगर्स या तो स्टैंड लेके गाते हैं या पेपर लेके गाते हैं। यहाँ तक कि मेरे वक़्त के पुराने सखा के सिंगर भी आजकल के रिवाज पे आ गए हैं, वो भी कागज़ और स्टैंड का सहारा लेते हैं। लेकिन कुणाल जी ने साबित किया कि ऐसा भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं, इम्पॉसिबल को अगर तोड़ा जाए तो आई एम पॉसिबल। तो जो इम्पॉसिबल होती है वो पॉसिबल हो सकती है अगर आपने फैसला कर लिया है कि आपने ऐसा करना है। ये एक बहुत ही बढ़िया बात थी। पूरे प्रोग्राम की सेटिंग बहुत ही रोचक थी और ऑडियंस ने इसको भरपूर इंजॉय किया। सबसे बड़ी बात है कि एक टाइम लिमिट के अंदर ये प्रोग्राम शुरू हुआ। ठीक 5:32 पे जो लिखा गया था कि 5:32 पे पहला गाना होगा, वो उसी तरह हुआ। और 8:30 घड़ी देख के जब लास्ट गाना ख़त्म हुआ तो उस वक़्त भी 8:30 थे। मैं बहुत प्रोग्राम्स में जाता हूँ, लोग 5:30 का टाइम देते हैं और 7:45 शुरू करते हैं, कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम 9:00 ख़त्म होगा। प्रोग्राम ख़त्म होता है 10:30। और दूसरी बात यह है, किसी प्रोग्राम की सक्सेस भी इसी में है कि लास्ट गाने के वक़्त ऑडियंस में कितने परसेंट लोग आखिरी गाना सुन रहे थे। अगर शुरू में 100 लोग आए हैं और उसमें से 80 बैठे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि उस प्रोग्राम को 100 में से 80 नंबर दिए जाएं। अगर आखिरी 100 में 15 बैठे हैं, चाहे वो प्रोग्राम बीच में बहुत सक्सेसफुल रहा हो, बहुत तालियां बजी हों, बहुत स्टैंडिंग ओवेशन दिए गए हों अच्छे सिंगर्स के, लेकिन आखिर में वो प्रोग्राम का आखिरी जब गाना चल रहा है, मैं गिनता हूँ कि उसमें से कितने परसेंट लोग बैठे थे। सिर्फ वही मेरा एक मापदंड है। बीच में कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, मैं उसको कोई माने नहीं देता, क्योंकि अच्छा प्रोग्राम अगर है तो वो दर्शकों को बांध के रखना चाहिए। दर्शक क्यों छोड़ के जाते हैं? अगर प्रोग्राम में बहुत बढ़िया था, लोग कहते हैं कि मेरा प्रोग्राम बहुत बढ़िया था, 6 बार 6 सिंगर्स को स्टैंडिंग ओवेशन मिले, तो मेरा सवाल होता है तो भाई अगर ऐसा था तो आखिरी गाने में वहाँ पे सिर्फ 15% लोग क्यों बैठे थे? और वो भी वही बैठे होते हैं जो सिंगर्स के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या और जुड़े हुए लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये एक बड़ी बात थी कि इस प्रोग्राम में लास्ट गाने के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर स्टिल सिटिंग। तो ये एक नए टाइप के प्रोग्राम की शुरुआत थी। नया मैं इसलिए कहूँगा कि ऐसा प्रोग्राम मैंने 2 या 3 बार किया हुआ है। पहला प्रोग्राम किया था आज से 39 साल पहले, जिसका नाम था भूल पाओ तो। उसमें भी एक फिल्मी स्टोरी चलती है, पूरी फिल्मी स्टोरी चलती है, जैसे एक फिल्म में स्टोरी चलती है। बीच में रोक के ड्रामा के एक्टर आते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वो एक्टर किया करते थे, अब वो सारे फिल्मी डायरेक्टर वगैरह बन गए, बॉम्बे चले गए 39 साल पहले। उसके बाद 35 साल पहले भी एक प्रोग्राम किया था, पुराने तराने नए फसाने, उसमें भी ड्रामा के एक्टर, उस वक्त तो मशहूर एक्टर होते थे, कीमती नान, बी के सूर, बुलमारी जोल, वो गानों के बीच में आके करते थे।
और एक बार रेडियो टाइप का एक प्रोग्राम भी किया था, आपकी चिट्ठी मिली जिसमें भी दर्शकों की चॉइस के गानों की बात की जाती थी। लेकिन ये प्रोग्राम इतने साल के बाद, 35 साल के बाद दोबारा किसी ने सोचा, मेरे को नहीं पता कि ऐसा कोई सोच सकता। मैं सोचता था कि ऐसा प्रोग्राम मैं अब खुद करूँगा कभी, लेकिन कुणाल जी ने पहल करके एक नया कॉन्सेप्ट दिया और मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी कॉपी होने वाला है, लोग करेंगे। लेकिन अगर कोई आपका कॉन्सेप्ट कॉपी करता है तो वो आपकी सक्सेस की निशानी है। अगर मैंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स की शुरुआत की रफ़ी, मुकेश, किशोर, और आज 40 साल बाद भी लोग उसी तरह के कॉम्पिटिशन्स या प्रोग्राम करते हैं, तो कॉपी है। लेकिन कॉपी है कि एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हमको लगा इस तरह के करना चाहिए। इसलिए कुणाल जी, आपके प्रोग्राम की अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉपी करें, आपकी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मैं मानूंगा। और इसी तरह के प्रोग्राम आप करते रहिए। आई विल ऑलवेज बी विद नटराज आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी। सिर्फ मैं इसमें एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि आप नंबर ऑफ सॉन्ग्स जो हैं उनको थोड़ा ऐसे कम करिए कि एक प्रोग्राम की ड्यूरेशन 2.5 और 3 घंटे के बीच शुरू से लेके आखिर तक ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग देख नहीं पाते। टाइम चला हो जाता है, घर में जाना होता है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ वालों को लिए भूख की वजह से और भी प्रॉब्लम आती है, किसी ने मेडिसिन लेनी होती है। लेकिन दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र हो ये बात समझता हो कि प्रोग्राम बेस्ट तो है कि 2.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा घड़ी देख के 3 घंटे के अंदर ख़त्म हो। 5:30 अगर प्रोग्राम शुरू करते हो तो 2.5 घंटे के बाद 8 होते हैं या 8:30 हो जाते हैं, तो इसमें अगर प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो दैट विल बी ए सुपर हिट। देन इस तरह के प्रोग्राम को 100 out of 100 मार्क्स भी मिल सकते हैं। मैं आगे के प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। चलो ठीक है, आगे ऊपर।